अरे हवलदार साहब, लड़खड़ा लड़खड़ा कर चल रहे हैं, कहीं स्ट्रोक तो नहीं हो गया ना? अरे भाई आपका तबीयत खराब है क्या, पकड़ू क्या? अरे नहीं भाई, मेरा तबीयत खराब है, लग रहा है उन शैतानों के चलते मेरा नौकरी ही चला जाएगा। वहीं पे बच्चे बिच्छू मुझे परेशान करके रखे हैं, अब इंस्पेक्टर साहब भी उन्हीं के चक्कर में मुझे नौकरी से निकाल दे। ऐसा क्या? अरे वो लोग क्या कर रहे हैं, आप ठहरिए, मैं अभी उन लोगों को बताता हूँ। सबक? अरे सबक सिखाने जाओगे तो उल्टा वही मुझे सबक सिखा देंगे। एक काम करो, इससे पहले वो आ जाए मैं यहाँ से निकलता हूँ, पहले से ही दोनों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। ले जा, चला गया। खैर कोई बात नहीं, मैं तब तक लंबे कान वाले के घर से घूमकर वापस आता हूँ। अरे बटू हूँ, मैं उन दोनों लड़का को स्कूल के तरफ जाते हुए देखा हूँ। तुम भी तो उधर ही जा रहे हो, तुम भी स्कूल जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो थोड़ा लंबे कान वाले के घर जा रहा हूँ। ओह, खेलने जा रहे हो क्या? सुबह सुबह ग्राउंड में थोड़ी ना खेलने वाला कोई होगा, इसलिए लंबे कान वाले का घर लूडो छक्का खेलने जा रहे हो क्या? ओह जाओ। अरे बाप रे बाप, जब भी इनसे मुलाकात होती है मेरा तो दिन ही खराब हो जाता है और समय ही खराब हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ चाचा जी। ओह, लास्ट तक मेरे साथ खेलोगे? नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम है, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं खेल नहीं पाऊंगा, तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगा। ठीक है ठीक है। अरे जाने दो, जा तो रहा है, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मैं तो थोड़ा लंबे कान वाले के घर जा रहा हूँ। अरे 99 रन पे नॉट आउट विराट कोहली। अरे यार एक छक्का मार के अपनी सेंचुरी पूरी कर। अरे भाई, अरे यार, अरे बटलू भैया आप जोश में मत आओ, अरे मैं तो पहले से कहा पड़ा हूँ रे बाबा, क्या होगा क्या होगा, अरे ये कौन बॉलिंग करने आ रही है रे भाई? अरे यार ये लोड शेडिंग कैसे हो गया रे बाबा? अरे जा लोड शेडिंग, अरे यार इतने अच्छे सिचुएशन पे आकर ये लोड शेडिंग, यार पूरा मजा का मजा ही चिगड़ा कर दिया। अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, अरे यार लोड शेडिंग। पहला ही छक्का ईडन से डायरेक्ट बॉल तुम्हारे घर में आ गया, और जो दूसरा जो बॉल मारा है वो अपना ही बिच्छू भैया ने। तुम्हारे बगैर मन नहीं लग रहा था। आओ, मेरे नाम पे दोष दिया जा रहा है? नहीं बटलू भैया, मैं ऐसे काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, आओ समझे आओ। ए यार, मैं तो बॉल पकड़ ही नहीं सकता, एकदम झूठ मत बोलना। एकदम झूठ नहीं बोलोगे? आओ, मैं तेरा तीन बार नोच लूंगा, आओ। ए यार, मैं तेरी आंखों में उंगली डालकर मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। आओ, ये मेरे माता को क्या हो गया? आओ आओ, मैं तुझे चूहा खिलाऊंगा, आओ आओ। अरे यार अरे बाबा, अरे यार ये देखे देखे टीवी में देख रहे बाबा, ओहो ऑल आउट रे बाबा। अरे यार बिजली इसलिए चला गया था क्या रे बाबा? अरे बंद कर दे टीवी रे बाबा। अरे चल रे बटलू भैया चल रे। आओ चलो बटलू भैया चलो, अपने मैदान में गुल्ली डंडा खेला हो रहा है, हम लोग उसमें हिस्सा लेंगे, आओ। अरे तो फिर चलो। अरे वाह, क्या निशाना है तेरा, गुली को कहाँ पहुंचा दिया? ए यार, तुम लोग क्या हम लोगों को खेलने दोगे? अरे यार बटलू भैया भी साथ में आया है। नहीं भैया नहीं, बटलू भैया को नहीं लेंगे, हम लोग खुद खेलेंगे, हम लोग खुद खेलेंगे। मैं ठीक बोला ना? अरे यार मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर मेरे हाथों से अगर गुल्ली डंडा खराब होता है तो मैं एक के बदले दो गुल्ली डंडा बना कर दूंगा। ठीक है चलो चलो, हम सब साथ मिलकर खेलेंगे, चलो चलो सब मेरे साथ चलो।
दायरे में मर गया हूँ। कोई हो मुझे बचाओ बचाओ कोई दायरे दायरे। आओ अंकल अंकल, ओ मैं क्या गुल्ली ले सकता हूँ? आओ। क्या गुल्ली लोगे? तुम्हारा गुल्ली मेरा सिर फोड़ दिया। अरे दायरे तुम्हें सबक सिखाता हूँ आज। तोरे दायरे रुको रुको। आओ। ना 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 अंकल, ऐसा बिल्कुल आप मत सोचो। आहा, वो डंडे ने गुल्ली को इतना जोर से मारा कि वो गुल्ली ने गुस्से से अपना बदला लेने के लिए आपके ऊपर हमला कर दिया। आओ और कोई बात नहीं है। आ अरे बक बक जैसे तुझे गुल्ली नहीं दूंगा। अरे दायरे मेरा सिर फोड़ दिया। अरे ओ ओ आओ आ आ आ आए बटलू भैया, अब यह खेला नहीं हो सकता क्योंकि आपने जो डंडे से गुल्ली को मारा वो जाकर उनको लगा और उन्होंने गुल्ली नहीं दिया, इसलिए अब आप गुल्ली बनाकर दो गुल्ली बनाकर दो, नहीं तो खेला बंद हो जाएगा। आओ अरे यार जल्दी चलो चलो यार जल्दी 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 चलो यार लेट हो जाएगा। अरे तुम भी चलो यार जल्दी बढ़ाओ, इतना लेट मत करो यार जल्दी चलो। अरे यार अपने पैर को जल्दी बढ़ाओ यार, बढ़ाओ बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ यार। अरे ये जो पेड़ देख रहा है इस पेड़ से अच्छा गुल्ली बनेगा। ये लड़का हम लोगों का घर क्यों पर धर कर रहा है? ये वाला कुत्ते इसको जरा सबक सिखा देता। ये लड़का को तो फुटबॉल की तरह लग रहा है। उसे देखकर आज मेरा पचपाड़िया भर रहा है। हे हे, सॉल्टलेक स्टेडियम में जब मैं खेलता था, चल चल आज मैं उसे फुटबॉल की तरह एक एक मार के यहाँ से भगाता हूँ। अरे अरे ये पत्थर आना लो है। अरे बाप रे बाप, एक तो मेरा मोर कट्टा है, बहुत पुराना, पैर में चोट है। आज तो मेरा नाम मोर कट्टे की बदले पैर कट्टा हो जाएगा। मैं ये जंगल छोड़कर भाग जाऊंगा। मैं तो ये जंगल छोड़कर भाग जाऊंगा जाऊंगा। अरे लंबे कान वाले, पीछे से मुझे परेशान क्यों कर रहा है? अरे यार इतना ही करना है तो आ मेरे साथ मिलकर मेरे काम में हाथ बटा ताकि मैं गुल्ली अच्छा बना सकूं। अरे अरे मैं तो गिर जाऊंगा। अरे आहिस्ते चल, मैं तेरे पीछे पीछे देखो ना मेरा दिल। अरे बहुत हो चुका और सब जगह पे तुम लोगों को डर ही लगा रहता है, साले डरपोक कहेंगे। अरे यार ये क्या हो रहा है हा? इतना तेज हवा। ओ बटलू भैया, अरे आप तो बोले थे इधर कुछ नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन आप इतना तेज हवा आ रहा है, ये तो हम लोग उठा के लिए जा रहा है। बटलू भैया बचाओ यार। बटलू भैया ये तो सचमुच भूतों का डेरा है, नहीं तो आप ही बताओ ये इतने जगह पे ये कैसे हो रहा है? कुछ भूतों का डेरा है नहीं तो। अरे बटलू भैया, मैं बहुत देर से अपने कानों में बहुत कुछ सुनाई पड़ रहा था रे बाबा, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता रे बाबा। और बटलू भैया अब यहाँ पे रहना अरे बिल्कुल खतरा से खाली नहीं है रे बाबा। अरे भागो, अरे जल्दी जल्दी। अरे ये ले दो सेठ गुल्ली डंडा।